देखें जी शाहरुख खान, ओह माय गॉड, तो देखें जी 6:10 पे इंडोनेशिया टाइम पे शाहरुख खान देखें, लव यू, देख रहे हैं? देख रहे हैं शाहरुख खान की ये सिग्नेचर पोज किया था। इधर इंडियंस भी काफ़ी मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं सामने कितना रश पड़ गया। तो बस मूवी स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी इंडियंस भी इधर मौजूद हैं और ये लाइन में लगी हुई है, लगता कुछ खाने के लिए लेने जा रही है। कैन यू प्लीज टेक माय टिकट। ले जी, सारे बंदर जा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आज आपका भाई जी अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा है जी मूवी देखने शाहरुख खान की, और मेरी फ्रेंड भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है, आपका भाई भी शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो जी जा रहे हैं जी हम, यहाँ अभी हम क्योंकि इंडोनेशिया में सिर्फ 2 सिनेमाज में मूवीज लगती हैं जो इंडियन मूवी है, वो है जी एक तो साइनान, हाय, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डंकी, नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिनेमा मॉल, प्लाजा सनायान, ओके। तो जी सो यू आर आल्सो अ बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान? नो, आमिर खान, या, बट इफ यू वांट सम रोमांटिक थिंग्स यू मस्ट बी लाइक वॉच अ शाहरुख खान, ओके, लव थिंग्स। तो मैं गलत था, ये शाहरुख खान की फैन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डंकी देखने के बाद ये शाहरुख खान की फैन हो जाएगी। तो जी इंडोनेशिया में क्योंकि इससे मेरा भाई भी इंडोनेशिया में रहा था, मैंने उससे पूछा था कि जो शाहरुख खान की मूवी है वो सब टाइटल में चल रही है या इंडोनेशियन लैंग्वेज में चल रही है, तो उसने मुझे बताया कि जी हिंदी लैंग्वेज में चल रही है, लेकिन जो नीचे जो सब टाइटल है वो इंग्लिश में है और भाषा में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है भाषा में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब अब ये मूवी देखेगी डंकी, क्योंकि ये कल ही रिलीज़ हुई है डंकी मूवी और आज मैं आपका भाई देखने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये फ़ैन हो जाएगी। तो ये देखें जी पैसे देख रही है कि उसको देने के लिए गोजेक वाले को, है सॉरी इन ड्राइव वाले को। तो अभी जी बस हम निकल पड़े हैं, ट्रैफिक बड़ी, तकरीबन 6:10 का शो है तो ट्रैफिक बहुत हाई है इस टाइम, और उम्मीद है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आई थिंक ये 4 का टाइम है, हाँ 4 हैं इस टाइम जब हम निकल रहे हैं, तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। शाहरुख खान की फ़ैन हो चुकी है, मैंने इसको पोज दिखाया था कि शाहरुख खान का बड़ा मज़े का पोज है, तो अब वो बार बार कर रही है, तो रेन कैन यू प्लीज़। देख रहे हैं शाहरुख खान की ये सिग्नेचर पोज किया था। नो, दिस इज़ द सिग्नेचर पोज ऑफ शाहरुख खान। तो ये फैन हो चुकी है शाहरुख खान। I was the fans of Shahrukh Khan just when he play a role in My Name Is Khan. Yeah. I think that's movie. Very classy movie. So My Name Is Khan is very famous, I think, also in whole world, and same in this era also people watching this kind of movies. देख रहे हैं जी माय नेम इज़ खान की ये फ़ैन है और बड़ी मूवी। आपको एक बात बताऊं, इंडोनेशिया में जो लोग हैं ना वो आज मैं अक्सर देखता हूं कि वो शाहरुख खान के पुराने गाने सुन रहे होते हैं, जैसे कुछ कुछ होता है मोहब्बतों के, जो मोहब्बतें फिल्म थी शाहरुख खान की उसके गाने सुन रहे होते हैं, तो वो जो पुराने गाने हैं ना शाहरुख खान के वो अभी तक सुन रहे होते हैं इधर इंडोनेशिया में, हर पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी हर सुने जाते होंगे, लेकिन इंडोनेशिया में खास तौर पे शाहरुख खान की जो जवानी है ना वो सुनी जा रही होती है और देखी जा रही होती है। तो इनको है आमिर खान का पता, शाहरुख खान का पता, सलमान खान का ज़रा भी नहीं पता इनको, सलमान खान के कोई भी फ़ैन नहीं है, या दीपिका का पता और सनी देओल का किसी को पता है, सबको नहीं पता। तो उसके बाद काजल का पता जी सबको, तो बड़े एक्टर्स हैं जिनका इनको पता, लेकिन ख़ास तौर पे शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जी इंडोनेशिया में, बहुत बड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं जी इस टाइम काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हम ट्रैफिक से निकले हैं आपके सामने हैं, तो बस पहुंचने ही वाले हैं, मे भी तकरीबन अभी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। रीन अपनी शॉप के लिए चीज़ें ढूँढ रही है,
डीन अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है बहुत जल्द और अपनी शॉप के लिए चीज़ें ढूंढ रही है। बाकी ये देखें जी, ये है कि इंडोनेशिया में रोड्स बहुत अच्छे हैं, रोड्स के जी 10x10 नंबर है, बहुत मज़े के रोड हैं जी इंडोनेशिया में। तब भी ये बहुत तेज़ बाइक्स भगाते हैं, देख रहे हैं इतनी तेज़ बाइक्स भगाते हैं ना, ये स्कूटर्स वगैरह देखते ही नहीं हैं, कोई अता पता नहीं होता इनको, डायरेक्ट अंदर आके मारते हैं। और अक्सर मैंने इंडोनेशिया में यही देखा है कि इधर जो क्या कहते हैं लोग वगैरह अक्सर एक्सीडेंट का शिकार हुए होते हैं इंडोनेशिया में, तो ये एक चीज़ मैंने देखी है इंडोनेशिया में। लेकिन ये कि रोड्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो मैं बात करता हूँ, ये देखें जी रिक्शा खड़ा हुआ है। आपको इंडोनेशिया में कोई कभी हो गया, बहुत रेयर है जी कि रिक्शा है, कभी कोई नज़र आ गया कभी। और ये देखें जी, मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, देख रहे हैं हर जगह जी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इंडोनेशिया में भी इलेक्शन हो रहे हैं, ये देख रहे हैं इंडोनेशिया में भी इलेक्शन हो रहे हैं, ये देखें बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, आई थिंक मार्च में इंडोनेशिया में इलेक्शन है। ये देखें जी, देख रहे हैं इनके बोर्ड्स कितने क्लासिक हैं, बाकायदा तौर पर फ़ोटोशूट हुआ हुआ है। जी इस टाइम तैनान सिटी मॉल आ चुके हैं और आई थिंक ये सिटी है, वो सामने आई थिंक मॉल है। मैं जी रीडिन को फॉलो करूँगा, कहाँ लेके जाती है। ओह या ये देखें जी, ये देखें जी इस टाइम सड़क पार कर रहे हैं, या मेरे पीछे देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो इस टाइम जी सड़क पार कर रहे हैं और सड़क पार कर चुके हैं। आई थिंक ये सामने मॉल है, आई थिंक कहाँ है अब जी मॉल नज़र नहीं आ रहा। नहीं जी ये मॉल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल इन इंडोनेशिया, आफ्टर पिम, आफ्टर सो द फर्स्ट मॉल इन जकार्ता इज पिम। पीछे देख रहे होंगे ये मॉल है, अभी आपका भी अंदर जा रहा है सिर्फ शाहरुख खान के लिए, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी मैंने आज तक नहीं छोड़ी पूरी ज़िंदगी में। सलमान खान की छोड़ सकता हूँ मैं, आमिर खान की छोड़ सकता हूँ, लेकिन शाहरुख खान की मूवी मैं तो नहीं छोड़ सकता, मुझसे तो नहीं ये होगा। कह रही है कि सन ग्लासेस उतार दो, अंदर जा रहे हैं मॉल के। ये देखें जी, आई थिंक क्रिसमस है, दो दिन बाद आई थिंक, पता नहीं आपको मेरी वीडियो कब मिलेगी। ये देखें क्रिसमस ट्री, आई थिंक कॉस्मेटिक्स की दुकान है और साथ साथ आई थिंक सब चीज़ों की है मेरे ख्याल से। जी इस टाइम मॉल के अंदर आ चुके हैं और अभी जी हम सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, और उससे पहले मॉल किस तरह का बना हुआ है, अजीबो गरीब सा ही मॉल है ये भी। बहरहाल जी अपने भाई को, अपने भाई का आउटफिट चेक करें आज, ये देखें रीडिंग पेमेंट डंकी टिकट, सामने विल पे, नो यू पे, आई विल पे द ड्रिंक, यू पे द टिकट, आई विल पे द ड्रिंक। ये देखें जी क्रिसमस, क्रिसमस की बहार है यहाँ इधर। ओ वाओ रीडिंग, वेट, बाय बाय रीडिंग, ऊपर चलेगी क्या तो। ये देखें जी, मैं ज़रा आपको क्रिसमस ट्री दिखाऊं, ये देखें जी क्रिसमस ट्री, ओह माय गॉड,
देख रहे हैं कितना बड़ा, ये देखें बहुत कट्ठे हुए हैं यार। ये देखें जी दीदी मेरा वेट कर रही है, मैं नीचे चला गया था वीडियो बनाना। I also see in this floor. No. I'm miskin, you know. Indonesian language miskin कहते हैं जी गरीब को। Gift उठाने लगा हूँ मैं। Can I take our gift? जी इस टाइम हम सिनेमा में आ चुके हैं द लाउंज, और ये देखें जी हो वेयर इज डंकी। वेट अ मिनट, आई जस्ट सॉ पोस्टर ऑफ डंकी। वेयर इज डंकी देखें जी शाहरुख खान, ओह माय गॉड। तो देखें जी 6:10 पर इंडोनेशिया टाइम पर शाहरुख खान, देखें लव यू, देख रहे हैं शाहरुख खान जवान हो चुका है, सिनेमा के अंदर एंटर हो रहे हैं इस टाइम। देख रहे हैं जी सिनेमा कितना मजे का। देखें जी आपके भाई हैं ये जो येलो में जो सीट्स आपको नजर आ रही है ना, ये हमने ली है, देख रहे हैं। वेरी केयरिंग फ्रेंड देख रहे हैं जी, ये दो सीट्स आपके भाई ने ली है 60,000 रुपये की जी, वो है क्या कहते हैं टिकट है 60,000 रुपये की। देख रहे हैं आप इधर आपका भाई लाखों में खेल रहा है जी, आपके भाई ने टिकट्स ले ली हैं। ठीक है, रिरिन इज़ वेरी सैड नाउ, आई डोंट नो व्हाई। तो ये देखिए जी टिकट्स ले लिया आपके भाई ने, बस भी आपका भाई 6:10 के अंदर चला जाएगा। कितना बड़ा सिनेमा है, आपका भाई शाहरुख खान की वो पोस्टर ढूंढ रहा है लेकिन आपके भाई को शाहरुख खान का पोस्टर मिल नहीं रहा। किधर आ जी आपके भाई ने उसके साथ फ़ोटो लेनी है। शाहरुख खान का पोस्टर किधर है, इनका गुस्सा चल रहा है इस टाइम। यू एंगर विद मी। लें जी इधर तो नहीं है, मुझे लगता है बाहर ही लेनी पड़ेगी, इधर शाहरुख खान का पोस्टर नहीं है। देख रहे हैं जी कितना बड़ा सिनेमा है, अगर इस सिनेमा की मैं बात करूं डिफरेंट तरह के स्टूडियोज बने हुए इधर, और डिफरेंट तरह के, पता नहीं लगता किधर से कौन सा स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम आ चुके हैं कॉफ़ी लेने, कौन सी कॉफ़ी पियेंगे आपका भाई इधर, जब का इंडोनेशिया आया सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीता है आपके भाई ने, दूसरी कॉफ़ी चखी भी नहीं है। खैर कभी कभी पी लेता हूँ जो सी हॉट कॉफ़ी होती है, लेकिन आपका भाई आजकल शी इज़ वेरी नाइस फ्रेंड, ओनली वन फ्रेंड इंडोनेशिया इज़ वेरी नाइस। ये नहीं कि मुझे सिर्फ पढ़ा रही है, ये है कि बड़ी अच्छी बंदी है। देखें जी जो रीडिन है वो हमेशा से बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती है, ये देखते हैं देख रहे हैं ब्लैक फुल ब्लैक कॉफ़ी देख रहे हैं जी। मैं तो जी ये नहीं पी रहा, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉफ़ी यार, बिकॉज इट्स टू हॉट आई थिंक, बिकॉज यू आई थिंक यू स्टार्टिंग अ बिजनेस सो यू रियली नीड दिस काइंड ऑफ कॉफ़ी। ये देखें जी ये फूड कोर्ट बनी हुई है इस मॉल की, आई थिंक सारी जितनी भी फूड कोर्ट्स हैं वो सेम ही है। देखें इंडोनेशियन, अच्छा ये रेस्टोरेंट्स का जो इंडोनेशियन फूड है ना ये बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े का होता है एज़ कम्पेयर टू जो फूड स्ट्रीट है उससे, बहुत ही मज़े का होता है। नासी गोरिंग मुझे बहुत पसंद है जी रेस्टोरेंट की एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट फूड। हियर इज़ रीडिंग
मैंने कहा जी रीरिन अकेले अकेले कुछ खा रही है, इसने मुझे पूछा भी नहीं। हाय रीरिन, हाय, व्हाट आर यू ईटिंग विदाउट मी? बाय देयर ओनली 19,000 एंड इट्स गुड। Really? Yeah. Come on, buy there. I'm already full. Buy. I'm already full. Oh my God. What do we eat? लें जी, इस टाइम बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि कब मूवी स्टार्ट होगी। और मूवी की मेरा स्टोरी कुछ इस तरह ही डंकी से आपको नाम से साबित हो गया होगा कि जी मूवी किस बारे में होगी। तो देखें जी क्या लेसन है मूवी में, ये तो पहले नहीं बता सकते हैं जब तक मूवी अभी तक नहीं देखी। उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा कि मुझे मूवी किस तरह की लगी है। तो डिपेंड करता है कि मूवी किस तरह की लगती है, फिर मैं आपको उस तरह का रिव्यू दूंगा। और बिल्कुल कोई मैं झूठ वगैरह नहीं बोलूँगा जैसी मुझे मूवी लगी। लेकिन शाहरुख खान की मूवी है, अच्छी तो होगी। लेकिन इससे पहले शाहरुख खान की मूवी आई थी दीपिका के साथ, आई थिंक दीपिका, हाँ यार दीपिका के साथ ही, उस मूवी का मुझे नाम जेन से निकल गया, वो मुझे अच्छी नहीं थी लगी। क्योंकि उसमें बहुत यानी ठीक थी, यानी कि अगर आप सिनेमा में देखें तो ठीक थी मूवी, लेकिन मुझे नहीं थी बेहतर लगी। क्योंकि मैंने आई थिंक लैपटॉप पर देखी थी तो मुझे बेहतर नहीं थी लगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा VFX बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ था। ये देखें जी सेंटा क्लॉज बना हुआ है, फोटोज ले रहे हैं जी सारे सेंटा क्लॉज के साथ। देख रहे हैं ये फ़ोटो गैलरी बनी हुई है आई थिंक, क्योंकि क्रिसमस की इन्होंने बनाई हुई है ख़ास तौर पे। देख रहे हो बाकी आई थिंक ये भी फूड स्ट्रीट ही बनी हुई है। ये देखें जी माल की खूबसूरत जगह, देखें बड़ा मज़े का सीन बना हुआ है इधर। यानी इधर इंडियन भी काफ़ी मौजूद है, ये आप देख रहे हैं सामने कितना रश पड़ गया। तो बस मूवी स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी इंडियंस भी इधर मौजूद हैं और इधर लाइन में लगी हुई है, लगता है कुछ खाने के लिए लेने जा रही है। तो मेरे सामने देखें ये भी इंडियंस बैठे हैं लेकिन मुँह नहीं लगा रहे ज़रा भी। लेकिन कोई बात नहीं, तो इनकी स्टार्ट होने वाली है। आपके भाई के हाथ में पेप्सी है और ये देखें दीदी, और लास्ट चेक करिए सारा डग्गी को, देखिए इंडियन पीपल कितने ज़्यादा इधर आए हुए हैं। स्टूडियो फोर, ये देखें लोग बैठे हुए हैं क्या कहते हैं अंदर जाने के लिए और कुछ ही। ये देखें देखें जी शाहरुख खान के फ़ैन है जी, इंडोनेशियन भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, देख रहे हैं। तो बाकी वो कुछ इंडियंस भी बैठे हैं, सारे वेट कर रहे हैं कि कब ओपन होगा स्टूडियो। सारे फोटोज की चार कैन यू प्लीज टेक माई टिकट। ले जी सारे अब अंदर जा रहे हैं। Selama tinggal di sini, kamu sempat ngerasa diganggu nggak? Setan maksud lo? Kita kan sih abis bas ham, paling enter rumah ham. Abi log aa rahe hain. ये इस टाइम बैठ चुके हैं मूवी देखने, अभी स्टार्ट नहीं हुई। रिरिन के साथ ले जी, इस टाइम मूवी स्टार्ट हो चुकी है। यश राज फिल्म्स बहुत बड़ा नाम और इनका जो इस मूवी का जो डायरेक्टर है, 3 इडियट्स भी मूवी बनाई हुई है। उम्मीद है कि ये भी मूवी उसी तरह ही मज़े की होगी। लेकिन मूवी स्टार्ट हो चुकी है, मिलते हैं जी मूवी के बाद। इस टाइम मूवी ख़त्म हो चुकी है और इतनी मज़े की मूवी, मैं आपको क्या बताऊँगी। मेरे पीछे सारे इंडियंस लोगों को मैं मिला हूँ साथ ही, सारे पीछे इंडियंस खड़े हुए हैं। बड़े ही मज़े का सीन था और बहुत ही मैं तो रोने वाला हो गया था हैर मूवी देख के। तो यकीन करें बहुत मज़े का सीन था। और ये है कि इन्होंने मूवी बनाई है यानी कि इलीगल इमिग्रेशन पे, तो लेकिन इन्होंने सबक ये दिया मूवी में कि जी अपना जो मुल्क है वो अपना ही होता है और बाद में इंसान अपने मुल्क ही वापस जाता है। तो सबक मूवी का ये था और बहुत ही मज़े की, हाईली रिकमेंडेड मूवी। तो ज़रूर जाएँ और देखें, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया जी मूवी देख कर। ओके जी, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा,
और इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।